नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के यूट्यूब चैनल आरबीलाई मीडिया में मैं रुपेश बंसल आपका स्वागत कर रहा हूं। फाजिलका के अग्रवाल कम्युनिटी सेंटर में पहुंचा हुआ हूं। यहां पर फाजिलका कोऑपरेटिव बैंक से किसानों द्वारा लिए गए कर्ज को माफ़ कर दिया गया है। दूसरे पड़ाव में 47 करोड़ रुपये का कर्ज माफ़ किया गया है। यह कर्ज 5 एकड़ तक के किसानों का माफ़ किया गया है। इस कार्यक्रम में आज किसानों को प्रमाण पत्र भी बांटे गए। कर्जा माफी के यह प्रमाण पत्र विधायक देवेंद्र घुबाया व SDM सुभाष कटक द्वारा यहां पर बांटे गए। जिस प्रकार से बड़ी संख्या में यहां पर किसान उपस्थित हैं, किसानों में आज बेहद खुशी पाई गई। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। सर, किस तरह का कार्यक्रम से इनके बारे जानकारी? आज जो महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने सरकार बनते किसानों का जोड़ा कर्जा माफ़ किया, उन्होंने जोड़े फाजिलका हल्के जिन्हें भी किसान सके अपने पहले उन्होंने 58 करोड़ का कर्जा माफ़ होया, हूँ 47 करोड़ की राशि जी 5 किलों तक वो माफ़ हुई है। सो वो अब जो सर्टिफिकेट जोड़े किसानों को दिए गए 5 किले तक तो है। हाँ जी, 5 किले। कि अमाउंट तक कर्जा सर माफ़ किया गया? ये 5 किले तक 2 लाख तक जिन्होंने कर्जा से माफ़ इस अज 47 करोड़ का जोड़ा कर्जा 47 करोड़ कल फाजिलका हल्के का है या पूरे पंजाब का? दस नहीं नहीं, फाजिलका जिले का जी। फाजिलका जिले का 47 करोड़ का जी, पहले 58 करोड़ का सी, हूँ 47 दूजे पड़ा चाहिए। सर, इस तो वे जे होर कर्जे है जो पहले सरकार ने वादा भी किया भी हंत का कर्जा माफ किया जाएगा, दूजे पर नैशनलाइज बैंक का भी, उनके बारे की योजना है सरकार? वो हम जो खजाने पैसा आऊगा तो गांव जोड़े वो भी कर्जा माफ करा, यानी कि सारा जो वादा तो पूरा किया? पूरा किया विद इन 5 ईयर। हाँ, पूरा किया जाएगा। फाजिलका के अग्रवाल कम्युनिटी सेंटर में आज दी फाजिलका सहकारी कोऑपरेटिव बैंक द्वारा किसानों को कर्जा माफी के प्रमाण पत्र बांटे गए। इस मौके पर विधायक देवेंद्र घुबाया, SDM सुभाष घटक, कांग्रेस नेता सतपाल भूसरी सहित कोऑपरेटिव बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर कोऑपरेटिव बैंक के सीनियर मैनेजर विनोद कुमार शर्मा, सुभाष शर्मा सहित कृष्ण ससोदिया व अन्य स्टाफ उपस्थित रहा। देखिए प्रकार से यहां पर किसानों को कर्जा माफी के प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। दूसरे पड़ाव के यह प्रमाण पत्र आज यहां पर बांटे गए। इससे पहले 58 करोड़ रुपए का कर्जा कोऑपरेटिव बैंक द्वारा माफ किया गया है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वर्मा, ब्रांच मैनेजर, ब्रांच ऑफिस दाना मंडी फाजिलका। आज दा एक प्रोग्राम कर्जा राह स्कीम के तीजे पड़ाव बारे रखा गया सी, जिस दे मुख मेहमान सरदार दविंदर सिंह घुबाया जी ते चीफ गैसट साढ़े सुभाष खटक जी SDM फाजिलका विशेष उचेचे तौर पर इतने पहुँचे। अज का यह महत्व साढ़ा जो सी कर्जा राह स्कीम बारे किसानों नूं जानकारी देना। सरकार दे दो पड़ाव पहले कर्जा माफ़ी जो हो चुके हैं, अज ये तीसरे पड़ा का इतने प्रोग्राम रखा गया सी, जिस दे विच फाजिलका जिले के कुल किसान 7284 जिन्हों छोटे किसानों यह राह स्कीम दी जा रही है और इसकी राशि 4772 करोड़ रुपए सरकार वालों जिहड़ी है वो सर्टिफिकेट के थ्रू असी फार्मर तक पहुँचा रहे हैं। और ये जिहड़े सर्टिफिकेट जिहड़े अज वंडे जा रहे हैं, साडी सारे किसान वीरां नूं ये दरखास्त है, हाथ जोड़ बेनती भी है कि कल नूं या जदों भी उन्होंने समा होए ये सर्टिफिकेट साढ़े को लैके आन, तां कि असी उस सर्टिफिकेट का देख के ते उन्हां दे खाते नूं ये माफ़ी पाई जा सके। धन्यवाद। शर्मा, सीनियर मैनेजर दी फाजिलका केंद्रीय सहकारी बैंक अपना लिमिटेड अपना मुख दफ्तर अमूर। अज जो अपना अज जो राह स्कीम बारे इत्थे तकरीबन 1000 जिहड़े कि किसान वीर हाजर आए ते उन्हां नूं अपना इत्थों दे MLA सरदार देवेंद्र सिंह जी घुबाया अते इत्थों दे अपना SDM साहब श्री सुभाष चंद्र जी अपना खटक उन्होंने सर्टिफिकेट जारी किए ते 1000 आदमियों की मतलब की गए हैदरिंग हुई।